हिंदुस्तान उद्धक विप्रू मंडल के कौमी सदर अरशद खान मुरादाबाद पहुंचे, जिनके इस्तकबाल में अरशद खान का हर तरफ खैर मकदम किया गया। इस मौके पर गुरमीत सिंह बेदी, रियासती सदर हुसैन, रियासती जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद थे। प्रदेश में हम अपने व्यापारियों को एक संगठन में जोड़ेंगे जो हिंदुस्तान अधिक व्यापार मंडल है। आज मुरादाबाद में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद खान साहब जी तशरीफ लाए और सैकड़ों व्यापारियों से मिले और उनको ये विश्वास दिलाया कि जिन जिन लोगों का उत्पीड़न हुआ है उनके साथ हिंदुस्तान अधिक व्यापार मंडल माननीय अरशद खान साहब जी, और किसी भी व्यापारी को परेशानी है किसी भी तरीके से या उत्पीड़न हो रहा है तो उसका भी हल हम लोग मिलकर निकालेंगे। तो जैसे बुद्ध बिहार में हुआ है तो तोड़फोड़ हुई है, बहुत सारे व्यापारी बहुत पीड़ा में हैं, जिनका व्यापार खराब हो गया है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रशासन से मिलकर कोई ना कोई हल निकालेंगे ताकि व्यापारियों को संविधान। अच्छा, छोटे छोटे जैसे बेदी जी, छोटे छोटे व्यापारी होती हैं प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर भी, तो छोटे छोटे व्यापारी जो होते हैं, जो उनको कभी कोई भी पहुंच जाता है, कोई पुलिस वाला पहचान करने पहुंच जाता है कोई थोड़ा सा सामान निकालने पर, किसी किसी तरह से कोई किसी तरीके से परेशान किया जा रहा, तो आखिर आप क्या करेंगे उन व्यापारियों के लिए? उन व्यापारियों को एक विश्वास करवाएंगे, साथ में प्रशासन के साथ मीटिंग करेंगे ताकि दोनों को तालमेल बनाए, जो ठेले वाले हैं या वो हैं या वो अतिक्रमण ज़्यादा लगा रहे हैं, हम उनको भी समझाएंगे कि नहीं भाई आप हद से ज़्यादा ना लें ताकि प्रशासन सख्ती ना करे, क्योंकि व्यापारी भी अपनी लिमिट में रहे ज़्यादा अच्छा है ताकि प्रशासन वो कार्रवाई ना करे और हम सबके तालमेल बना के एक दूसरे को विश्वास से लेकर ये काम करें। मैं मुरादाबाद जो बहुत दिनों बाद आया हूँ, आज हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल का कार्यक्रम यहाँ आदरणीय गुरमीत सिंह बेदी जी ने, उनकी टीम तस्ती हुसैन का और कोई टीम ने रखा था, तो मुरादाबाद में दो तीन जगह स्वागत कार्यक्रम थे और कुछ मौतें हुई थी जो हमारे ताल्लुकात के लोग थे। एक हमारे जावेद रशीद आमिर एडवोकेट हैं जो जिनका इंतकाल हुआ था उनके घर गए, हाजी मुन्नू कुरैशी जो सपा नेता हैं उनके माँ बाप का इंतकाल हुआ उनके घर गए, तो यहाँ सर्किट हाउस में भी स्वागत प्रोग्राम था, काफ़ी लोग आए और हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल को आगे बढ़ाने के लिए उसके उद्देश्यों के बारे में लोगों को बताया गया और मुरादाबाद के जो व्यापारियों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए और एक बुद्ध बाजार है वहाँ तोड़ फोड़ हुई है उसके बारे में रणनीति बनाई गई कि व्यापारियों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। फिर हम लोग चले गए थे संभल, वहाँ भी कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल का, और अब आज लखनऊ जाना है तो आप लोगों से बातचीत हो रही है। और भारत में इसके अलावा पीछे से आप आ रहे हैं तो लगभग कहाँ कहाँ आप हुई है और कहाँ कहाँ आगे आपको जाना है? देखिए, हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल का गठन 12 राज्यों में हो चुका है और अभी पूरे प्रदेश और देश का हमारा दौरा चल रहा है। मेन मकसद क्या है कि हिंदुस्तान में नफरतें इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बढ़ाई जा रही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को अलग किया जा रहा है, हम इस खाई को पाटना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम को एक करना चाहते हैं, भाईचारा पैदा करना चाहते हैं। हर शहर में सांप्रदायिक आधार पर व्यापारियों में बंटवारा है, आधा तबका सेकुलर है आधा तबका और बीजेपी के साथ है, हम दोनों तबकों को मिलाकर दोनों वर्गों को मिलाकर सारे व्यापारियों को इकट्ठा करके एक धारा बनाकर प्रेम की धारा में जोड़कर व्यापारियों और उद्यमियों के हितों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, भारत से नफरत को मिटाना चाहते हैं और दंगा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश में कि GST की दर 20-25 लाख रुपये सालाना जिनका टर्नओवर है उन व्यापारियों से GST की दर घटाई जानी चाहिए। 20-25 लाख टर्नओवर वाले छोटे व्यापारियों को ब्याज जो बैंकों से लोन लेते हैं उसमें भी कम दर पे ब्याज देना चाहिए, बिजली में भी कंसेशन देना चाहिए और ख़ास तौर से व्यापारियों के यहाँ भी अक्टूबर नवंबर यूपी में बहुत छापेमारी हुई और GST के नाम पर 25-25, 30-30, 40-40 अधिकारी और पुलिस वाले जाके छापा मार रहे थे, व्यापारियों को हाथफेड़ की नौबत थी काफ़ी। आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनाब अरशद साहब से मुलाकात हुई और काफ़ी व्यापारी लोग
आए यहाँ पर। बेदी साहब के यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के, और उसमें मुझे महासचिव बनाया गया है। अशर साहब के साथ में इनके साहबजादे साहब हैं, डॉक्टर नासिक साहब हैं। यहाँ पर काफ़ी व्यापारी लोग मिलने आए हैं, लोगों ने अपनी समस्याएं रखी काफ़ी, और अशर साहब ने उन्हें आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द इसको मतलब हल करेंगे, और एक हफ्ते बाद या 15 दिन के अंदर फिर दोबारा से हम आएंगे और जो भी इसका निर्णय लिया जाएगा बिल्कुल बात करेंगे।